अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये कहानी है गोरखपुर में रहने वाले एक नामचीन पहलवान कपिल और उनकी पत्नी मेनका की। हमारे दोस्तों को हरा ही नहीं सकता। आज का विजेता भी हमारा कपिल ही होगा देखना। अरे आपसे कोई टिका उसके सामने है? पटको सर, गुरुजी सर, पटको। कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता है कपिल सिंह। ये बेटा सवेरे से कसरत ही कर रहे हो, चलो नाश्ता कर लो, नहीं तो मक्खियां भिन भिन आएगी। जी माँ। अरे माँ जी, ये नाश्ता वास्ता छोड़िए, यहाँ पर मिठाई खिलाइए। देखिए आपके बेटे की तस्वीर आई है अखबार में। आज तो भाई इसी की चर्चा हो रही है हर जगह। भाई तू भी देख, कमाल कर दिया तूने, देख 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 देख। भाई कल अखाड़े में तो सबसे ज्यादा मेरी आवाज चल रही थी वहाँ पे। अभी तो तू जीता। भाई तुझे गर्व होना चाहिए अपने जीजा जी पे। अच्छा हाँ, वो ये देख, ये जो तस्वीर है ना, धीरज चौहान की लड़की है ये, मेनका नाम है इसका, इकलौती बेटी है। अब माँ जी, वो चौहान साहब वही हैं जिन्होंने कल की प्रतियोगिता को स्पॉन्सर किया था, उनकी इकलौती बेटी है और वो चाहते हैं कि हमारे पहलवान की शादी उसके साथ हो जाए। हमारे पहलवान का हाथ मांग रहे हैं वो। अगर आप लोगों को लड़की पसंद है तो फिर मैं आगे बात चलाऊं। दामाद जी, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, अब आप ही जाकर उनसे ये रिश्ता पक्का कीजिए। वैसे भी कपिल के बाबूजी के जाने के बाद हमें वो ताकत नहीं रही कि हम सब कुछ संभाल सके।
आप दोनों को ही ये सब कुछ करना है। फिर देर किस बात की माँ, चट मंगनी पड़ बिया। क्यों भाई? अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। मंगलसूत्र कितना छोटा है और सारी ज्वेलरी आर्टिफिशियल है। बाय भाभी। चलो अच्छा बेस्ट ऑफ। ये आपके लिए। क्या है इसमें? ये क्या है? ये हमारा प्यार है आपके लिए। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आपके जैसी पत्नी मिली है। आइए इसे मैं आपके गले में पहना देता हूं। आज की रात हमारे लिए बहुत ही खास है। आज तक हमने किसी भी दूसरी लड़की को उस नजर से कभी नहीं देखा है और कभी भी किसी लड़की से हमारा कोई संबंध नहीं रहा है। हमारा प्यार आपके लिए उतना ही पवित्र है जितनी पवित्रता आपकी सुंदरता है। हम तो आपसे बहुत प्यार करेंगे। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। हमें लगा था इतने नामी पहलवान से हमारी शादी होने जा रही है, हमें हमें सोने से गहनों से लाद दिया जाएगा। और गहनों के नाम पर हमें क्या दिया गया? ये हल्का सा सोने का मंगलसूत्र बस। आपको पता है हमें इसकी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। वहां हम किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रहे थे।
शादी हमारी हो रही थी दुल्हन हम थे, पर तुम्हारी वो कुमुद दीदी वो सोने से ज्यादा लदी हुई थी। उनके गहने देखे थे, एक एक कड़ा है, वो मंगलसूत्र सब कुछ इतना खूबसूरत था, वो पूरी सोने से लदी हुई थी। हमारी किस्मत में तो बस ये है, ये एक हल्का सा मंगलसूत्र और ये हल्की सी दो सोने की चूड़ियां। देखिए आप दुखी मत होइए, हम आपको सब कुछ सच सच बताते हैं। दीदी की शादी हुई, माँ ने सारे गहने उन्हें दे दिए, बाकी जेवर जो माँ ने अपनी बहू को देने के लिए रखे थे वो हमने अपने कुश्ती अखाड़ा खोलने के लिए बेच दिए। हम आपसे वादा करते हैं बहुत ही जल्द आपको अच्छे से अच्छे जेवर ला के देंगे, वो भी जो आपके पसंद के होंगे। हमें नींद आ रही है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी अभी। बेटा कपिल। जी माँ। इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? कल ही तुम्हारी शादी हुई है, थोड़ा आराम कर लेते। माँ मैं अपनी सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, और वैसे भी अगली प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार भी तो करना है, और माँ आप ही तो कहती हो कि मेहनत करनी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना माँ? हमें लगा था इतने नामी पहलवान से हमारी शादी होने जा रही है, हमें सोने से गहनों से लाद दिया जाएगा, और गहनों के नाम पर हमें क्या दिया गया? ये हल्का सा सोने का मंगलसूत्र। को पता है हमें इसकी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। प्रणाम गुरुजी। मान गए गुरुजी आपकी कल ही शादी हुई और आज ही से काम पर लग गए, सही है। गुरुजी कल हमने 300 बार रस्सी कूदा था, आज हम आपको 500 बार कूद कर दिखाएंगे। ये देखिए, शादी हमारी हो रही थी दुल्हन हम थे, पर तुम्हारी वो कुमुद दीदी वो सोने से ज्यादा लदी हुई थी। हमारी किस्मत में तो बस ये है, बस ये है, हल्का सा मंगलसूत्र और ये हल्की सी दो सोने की चूड़ियां। अरे अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, आज बहू को अपने हाथों से खीर बनाकर भोग लगाना है, पर देखो ना वो अपने कमरे से अभी तक बाहर ही नहीं आ रही है। आप चिंता मत कीजिए माँ, भोग लग जाएगा, शायद थकान के मारे उसकी नींद नहीं खुली होगी। जा देख ले। गुड मॉर्निंग मेनका जी, आपके लिए अदरक वाली बहुत ही बेहतरीन सी चाय लाया हूँ। हम चाय नहीं पीते। तो फिर हल्दी वाला दूध पीती होंगी आप? हमें दूध नहीं पसंद, हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो खाएंगी ना आप? हमने आपसे कहा ना हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। क्या हो गया गुरु, कहाँ खो गए? भाभी के लिए कुछ पसंद भी किया कि नहीं? ये वाला कितने का मदन जी? 6 लाख का। 6 लाख का? कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? जी जी ऐसे पहलवान जी, पूरा 24 कैरेट गोल्ड है। ठीक है मदनलाल जी, हम आपको बाद में फोन करें। देखो ऊपर कपड़ों को अच्छे से सुखा देना, हाँ, और महंगी महंगी साड़ियां हैं मेरी वो सिल्क की, एक भी खराब ना हो, ठीक है? चलो जाओ। कानों में इतने भारी सोने के झुमके, कम से कम 3-4 तोले के होंगे। अरे मैं इतने सारे हार, सितार भी पहनी है,
मंगलसूत्र इतना भारी सोने का जड़ा हुआ, देखो हल्की सी सोने की, हाथों में इतने सारे सोने के भारी भारी कंगन, कम से कम 8-10 तोला पहना इसने हाथ में। ये कंचन कितनी किस्मत वाली है, पैरों में चांदी की पाजेब तो पहनी होगी इसने, पूरी सोने से लदी हुई है ये। और मेरी किस्मत देखो, हेलो, हाँ सुनीता बोलो। माँ, मेनका, माँ, मेनका। हाँ क्या है, क्यों आवाज लगा रहे थे? आप कहाँ थी, हम आपको कब से आवाज दे रहे थे? अपने कमरे में थे हम। वैसे आपको एक बात बतानी थी, आज हमने ना एक औरत को देखा, अपने पड़ोस में रहती है, क्या किस्मत वाली औरत थी, ऊपर से नीचे तक सोने की खदान बनी हुई थी, ऐसे सोने से लदी हुई थी वो। आपको पता है उसके कानों में ना भारी भारी झुमके पहने हुए थे सोने के, कम से कम 3-4 तोले के तो होंगे होंगे, उसके गले में ना 3-4 हार थे, और भारी सा मंगलसूत्र, वहां सारा सोना पहनी थी, और हाथ हाथ भी खाली नहीं थे, हाथों में कम से कम 10 तोले के कंगन पहनी थी, और पैरों में चांदी की भारी भारी पाजेब। क्या किस्मत वाली होगी ना, मतलब उसका पति उसे कितना प्यार करता होगा जो इतना सारा सोना पहनती है। अरे वो दिग्विजय चौधरी की पत्नी है, खानदानी अमीर लोग हैं वो। आप ये सब छोड़िए और अपने इन हाथों से हमारे लिए खाना लगा दीजिए, हमें बहुत जोर की भूख लग रही है। खाना नहीं बनाया मैं। खाना नहीं बनाया मतलब? मतलब क्या, आपकी माँ को देखा है कभी आपने? अरे कभी सुना है उन्हें, वो किचन में जाते हैं उनके नियम कानून शुरू हो जाते हैं, ये मत छुओ, वो मत करो, ये मत करना, इधर से उधर मत रखना, ये सामान मत छूना। हमारा मन ही नहीं करता किचन में जाने का, और इसलिए हम जाते ही नहीं। देखिए आप माँ की बातों का ना बुरा मत मानिए, वो तो पुराने ख्यालात की हैं, उनकी साफ सफाई की आदत थोड़ी अलग है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बात करता हूं। रुक जाइए, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, आप जाकर आए। और क्या ये किचन में जाके काम करो, खाना बनाओ, आपको पता भी है हमारे घर में हमारा एक काम करने के लिए भी नौकर रखे हुए हैं, और आपके घर में सारा काम तो हमें करना पड़ता है, हमें किचन में गर्मी लगती है, और आपकी माँ के नियम कानून हमसे सुने नहीं जाते। वैसे भी आज हमें भूख नहीं लगी, हम तो नींबू पानी पी के सो जाएंगे। अच्छा माँ कहाँ है, उन्होंने भी तो खाना नहीं खाया होगा ना? आपकी माँ पड़ोस में गई है, वहाँ कुछ पूजा कीर्तन कुछ तो है, वहाँ से प्रसाद खाकर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि इस घर में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है। फिर तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। छोड़िए हमें जाने दीजिए, हमें बहुत काम। अरे हमने कहा ना हमें छोड़िए, हमें बहुत काम है, हमारा मन नहीं है। हम जब भी आपके करीब आते हैं आपको प्यार करने की कोशिश करते हैं, आप ना कोई बहाना बना के हमसे दूर चली जाती हैं। पति हैं हम आपके, हमारा हक बनता है आपके करीब आना, आपको प्यार करना। सच में तो हमने कब मना किया कि आप हमें प्यार मत करें? अगर आप हमसे इतना ही प्यार करते हैं तो ले आइए ना 5 तोला सोना, प्रूव कर दीजिए कि आप हमसे प्यार करते हैं, हम नहीं रोकेंगे, फिर जी भर के प्यार करिएगा। लेकिन सबसे पहले जाकर लेके आइए 5 तोला सोना, उसके बाद बात करें। पांच तोला क्या चीज है, हम आपके लिए 10 तोले सोने के गहने बनाएंगे, बस आप संयम रखें और हम पे विश्वास कीजिए, हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे, बस आप हमेशा खुश रहा कीजिए, क्योंकि जब आप हंसती है ना आप तो बहुत सुंदर लगती हैं। हमारा सर बहुत दुख रहा है, हम जा रहे हैं। माफ करना साले साहब, तुम्हें इस वक्त जितने पैसों की जरूरत है उतने मेरे पास है नहीं। तुम तो जानती हो कि पिछले हफ्ते मैंने घर में पेंटिंग करवाई थी,
छोटे मोटे काम भी करवाए थे घर के, तो सारे पैसे वहीं खर्च हो गए। हाँ वैसे अगर तुम्हें 30-40 हज़ार रुपए चाहिए तो मैं बंदोबस्त कर सकता हूँ, मैं किसी से उधार लेके दे दूंगा तुम्हें। कोई बात नहीं जी, आपने इतना ही कह दिया मेरे लिए तो वही बहुत है। कई बार हमारे पास पैसे होते तो हैं लेकिन हम उन्हें तब तक खर्च नहीं कर सकते जब तक उनका ठीक समय ना आ जाए। आप रहने दीजिए, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। I'm sorry, कपिल। नहीं नहीं पहलवान जी, पहले ही इस अखाड़े के नाम पर उधार ले चुके हो, पहले के सारे उधार चुकाओ उसके बाद पैसे की बात करना। चलता हूं। परेशान मत हो मेरे शेर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। एक पार्टी से बात हुई है, वो तेरे नाम से हर शहर में एक कुश्ती संस्थान खोलने की बात कह रहे हैं। आजकल में डील हो जाएगी, उसके बाद तुझे 5 लाख रुपए एडवांस मिल जाएगा। क्या बात कर रहा है यार, अब तो खुश हो जा। जैसे जैसे माजी की उम्र होती जा रही है उनका दिमाग खराब होता जा रहा है। ये कैसे कैसे काम करवा रही है मुझसे, अपने पूजा और अंधविश्वास के चक्कर में इतने घटिया काम करवा रही है ना मुझसे ये। आज तक अपने घर में मैंने कोई काम नहीं किया, जो नौकरानी की तरह यहाँ करने पड़ रहा है। पागल पूजा, गार्डन को अच्छे से साफ करना और पानी अच्छे से, समझे? देख झाड़ कितने सूख रहे हैं, उसको देखो, पानी दो उसे। ओ क्या कर रही हो, दिखाई नहीं दे रहा मैं सफाई कर रही हूँ, ये गंदा पानी इधर क्यों डाला तुमने? अरे आप गलत समझ रहे हैं, हम क्यों आपके घर को गंदा करेंगे? खुद को समझती क्या, ये पानी की बाल्टियां तेरे सर पे डाल दिया अभी गुजर रही हो तुम। अरे आपको सिखाती क्यों नहीं है इसको, बड़ी बदतमीज है। उसे जाने दीजिए, आपको अपनी बहू की बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना, उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, पड़ोसियों की पड़ी है। एक तो शादी करके मेरा ये हाल बना दिया है आपने, हाथ में जहाँ आपको गहने पहनाने चाहिए थे आपने मेरे हाथ में ये पोंछा थमा दिया है। क्या समझती हैं आप अपने आप को, हाँ ये काम करने के लिए लाई थी आप मुझे? देखो बहू शांत हो जाओ, देखो सब देख रहे हैं, चलो अंदर चलो। अरे अच्छा है ना सब देख रहे हैं, सबको पता चलना चाहिए आपको और आपकी बेटी की गलती, तुमने नौकरानी समझ के रखा हुआ है मुझे। झूठ मूठ का तमाशा मत करो और ये नौटंकी ना अपने घर में करना यहाँ नहीं। सुन ज्यादा बकवास मत कर वरना ये गंदे पानी की बाल्टी तेरे सर पे आके डाल दूंगी, ठीक हो जाएगी तू, बड़ी आई अपनी अमीरी दिखाने वाली। तू रुक मैं तुझे बताती हूँ। शांत हो जाओ मेनका, शांत हो जाओ और अंदर जाओ। हटिए, मैं बात करूंगा मेनका से, आप चुप हो जाओ अंदर से। तू क्या मुंह देख रही है, पानी डाल। क्या है मेनका ये सब, माँ और कंचन जी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे मेरा बर्ताव दिखाई और सुनाई दे रहा था आपको, आपने अपनी पड़ोसी कंचन को देखा, गौर से देखा, कुछ दिखाई दिया आपको? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं वही कहना चाहती हूँ जो आप देखना और सुनना नहीं चाहते हैं। आपको दिखाई नहीं देता या खुद देखना नहीं चाहते अपनी आंखों से? कंचन को ऊपर से नीचे तक सोने से लदा हुआ देखा है आपने? मैं इस घर की नई बहू हूँ लेकिन ऐसा लगता है इस घर की नौकरानी हूँ, आपकी माँ ने मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। और शादी के बाद तोहफे के नाम पे दिया क्या ये हल्का सा मुंगा सूत। शादी पे जो मेरा मजाक उड़ाया ना उसके बाद जाने दीजिए, शर्म आती है मैं खुद को इस घर की नई बहू बोलते हुए। फिर वही सोने और गहने की बात करेंगे, आपको सुननी है सुनो, नहीं सुननी है मत सुनो, लेकिन हम करेंगे गहने और सोने की बातें। बार बार एक ही बात आपको बतानी पड़ती है, आप धीरज रखिए, हर काम अपने समय पर होता है। पैसे तो तभी आएंगे ना जब बिजनेस आगे बढ़ेगा, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते जो गए और तोड़ लें। विवाह दो इंसानों को सिर्फ तन से नहीं मन से जोड़ने वाली ऐसी रस्म है जिसे निभाने के बाद सिर्फ दो इंसान ही नहीं बल्कि उनके प्यार और विचार भी एक हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और कुछ ऐसे एहसासों से जुड़ी एक कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं, जो प्यार, जुड़ाव और फिर टकराव को कैसे उत्पन्न करती है, वो भी केवल लोभ की वजह से। ये कहानी है गोरखपुर में रहने वाले एक नामचीन पहलवान
कपिल और उनकी पत्नी मेनका की, लेकिन दूसरी तरफ मेनका इस शादी को लेकर नाखुश थी क्योंकि स्त्रीधन के नाम पर अपने ससुराल से उसे सिर्फ एक पतला सा मंगलसूत्र मिला था, जबकि उसने कपिल से 5 तोले सोने की मांग की। यही बात बन गई थी उन दोनों के बीच पनपते प्यार को खत्म करने की वजह। अब देखना यह है कि क्या कपिल अपनी पत्नी मेनका की इच्छाओं को पूरी कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो फिर कैसे। देखा चौधरी साहब, हमारे देश का भविष्य दिन रात अखाड़े में मेहनत करते हैं। जी जी, गजब हो गया, सेठ कमलनाथ जी का मर्डर हो गया, पूरे शहर में बवाल फैला हुआ है, कर्फ्यू लग गया, हर न्यूज चैनल में वही दिखा रहे। जी जी, शहर के जाने माने बिजनेसमैन कमलनाथ जी की हत्या दिन दहाड़े होने के बाद शहर का माहौल काफी बिगड़ता गया है। फिरौती की मुंहमांगी रकम ना मिलने के बाद अपराधियों ने कमलनाथ जी का खून कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद नगरवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा दी गई सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने माहौल को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। बच्चा सिंह, तुम सबको लेके घर जाओ, कर्फ्यू खत्म होने के बाद प्रैक्टिस के लिए वापस कब आना है मैं तुम्हें बताऊंगा। भैया, हमको जल्द से जल्द निकलना चाहिए, एक बार मामला शांत हो जाए तो फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, रवि आपको छोड़ देगा। जी भैया। बेटा, तुम्हारा नाश्ता रखा है मैंने। अच्छा सुनो, आज बहू को ना मलाई पनीर खाना है, तो जैसे ही तुम्हारी कसरत हो जाएगी ना तो जाकर डेयरी से पनीर ले आना। ना बाहर बहुत महंगा मिल रहा है, आज ऑनलाइन पे ऑफर है, एक ही बचा है, ऑर्डर कर देते ना जल्दी से ये वाला फोन। देखना, 45,000 का फोन, आखिर इतना महंगा फोन तुम्हें लेना किसके लिए है? मेरे भाई और तुम्हारे इकलौते साले के लिए। अरे उसका परसों जन्मदिन है, तुम उसे गिफ्ट करोगे तो उसे अच्छा लगेगा। बोलो, गगन के पास तो पहले से ही फोन है, उसे इतने महंगे फोन की क्या जरूरत है? अरे देना ही है तो हम उसे 10-12 हजार का कोई फोन दे देते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा आता है। अरे देखो, समझने की कोशिश करो, कर्फ्यू की वजह से पहले ही काम नहीं चल रहा, पैसे नहीं है मेरे पास, तुम ही बताओ कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे। बस करो, घर में पैसे नहीं है तो दूध बादाम काजू के पैसे कहाँ से आते हैं? आते जैसा शरीर बनाने के लिए पैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन किसी को कोई तोहफा देना हो या कुछ देना हो तो तुम्हारे सारे बहाने दे देते। बहू, किस तरह से तुम अपने पति के साथ बात कर रही हो? मुझे पति पत्नी के बीच में आप ना ही बोले तो अच्छा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या फायदा ऐसी अच्छाई का जो किसी काम ना आ सके? यार, हमें ना अपने आप पे शर्म सी आती है, शादी के बाद अपनी पत्नी की एक भी इच्छा हम पूरी नहीं कर पाए हैं। लालच है मुझे अपने आप पे, भगवान ने हमें कितनी खूबसूरत सी बीवी दी है पर हम तो उसके लिए भी कुछ भी नहीं कर पाए। खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा पहलवान, बस एक बार तेरे नाम से हर शहर में कुश्ती संस्थान खुल जाए, फिर उसके बाद देखना तेरे पास पैसों की बारिश होगी। ये सब बोल बोल के ना हम उसके सामने बेवकूफ लगते हैं। अरे पैसे कमाने में समय लगता है पहलवान, इतनी आसानी से नहीं मिलता है सब कुछ। आया मैं। हमें लगा था इतने नामी पहलवान से हमारी शादी होने जा रही है, हमें सोने से गहनों से लाद लिया जाएगा,
तो हमने तो मना किया कि आप हमें प्यार मत करें। अगर आप हमसे इतना ही प्यार करते हैं तो ले आइए ना 5 तोला सोना, ले आइए ना 5 तोला, ले आइए ना 5 तोला सोना। अब चाहे जो हो जाए, कुछ भी करना पड़े, हम अपनी पत्नी के सामने मर्दानगी साबित करके रहे, उसकी हर एक इच्छा को पूरी करेंगे। दो चीजें तब तक ठीक से जुड़ी रहती है जब तक प्लस माइनस उनके बराबर हो, वरना उन दोनों के बीच में दरार पड़ जाती है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो अलग हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ कपिल और मेनका के साथ। 5 तोले सोने को लेकर मेनका का ये लोभ अब उसकी जिद बनती जा रही थी। वो इस कदर स्वार्थी हो गई थी कि अपनी इच्छाओं के सिवा उसे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कहते हैं अगर इंसान की जिद स्वार्थ और लोभ का रूप ले ले तो वो किसी आने वाले जुर्म की दस्तक होती है। कपिल मेनका की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहा था। अब देखना यह है कि क्या कपिल अपनी पत्नी मेनका की इच्छाओं को पूरी कर पाएगा, क्या वो उसे 5 तोला सोना दे पाएगा, या फिर उनके रिश्ते में आई दरार उनके संबंधों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी, या फिर इसका अंजाम कुछ और है। बोलोगे? अरे तुम चलो तो सही। अरे पर क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर? ओ कैसा लगा हमारा सरप्राइज? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हटो यहां से। तुमसे इसी घटिया सरप्राइज की उम्मीद थी हमें। अरे हम ही पागल हैं जो तुम्हारे साथ यहाँ ऊपर आ गए, अच्छे खासे नीचे सो रहे थे। पर एक बात समझ लो, तुम ये कितना भी मनाने की कोशिश कर लो हम मानने वाले नहीं। अगर हम ठान चुके हैं हमें 5 तोला सोना चाहिए तो हमें चाहिए। अब कहीं से भी जाके 5 तोला सोना लेकर, वरना ना तो हम चैन से बैठेंगे ना ही तुम्हें बैठने देंगे। और ये तुम्हारा सरप्राइज, इसकी तो आज हमारा जन्मदिन विश करने के लिए आप हमें जरूर फोन करेंगे। तानी पापा ने क्या देख के इस भूखे नंगे परिवार में हमारी शादी करवा दी? और ये हमारा जीना दुश्वार हो गया है यहाँ पे। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें तलाक चाहिए, समझ गई आप? यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें तलाक चाहिए, समझ गई आप? ऐसा मत कहो मेनका, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम जैसा ही कहोगी हम वैसा ही करेंगे। बस मेनका हमें छोड़ के मत जा। अगर तुम सच में चाहते हो हम तुम्हें छोड़ के ना जाएं, तो 10 दिनों के अंदर 5 तोला सोना लेकर आना, समझ गए? हाँ हाँ मैं सब समझ गया। मैं तुम्हारे लिए 5 तोला सोना लेके आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे चोरी करनी पड़े, डकैती करनी पड़े, चाहे खून ही क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना मेनका, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। क्या करूं मैं, कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? प्रणाम गुरुजी, चलता हूँ।
बच्चा सिंह स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में हिस्सा लोगे? 5,000 रुपए महीना मिलेगा। नेकी और पूछपूछ गुरुजी, बिल्कुल हिस्सा लेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। पर इस स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में ये लोग उन्हीं को लेंगे जो लोग पढ़ना लिखना जानते हो। लिख लेते हो? सर जी 8वीं फेल हूँ, थोड़ा थोड़ा लिखना पढ़ना आता है। आप बोलो, मैं लिख कर दिखाता हूँ। लिख के दिखाओ। बोलिए गुरुजी, क्या लिखना है? ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में? क्या हाल है दिग्विजय सेठ? सुना है आपने अपनी बीवी के ऊपर जो इतना सोना बांटते रहे हो, कुछ बारिश हम पर भी कर दो। तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता है। तेरा लड़का मोनू सुबह 6:30 बजे वाली सेलने जाता है, अगर उसे कोई गोली मारते तो। क्या करोगे पैसे का? तुम 8:30 पर वाली दुकान जाते हो, अगर चाहते हो तो 10,00,000 तैयार रखना। अगर तुम राजी हो तो अपने ऊपर छत पर आज ही हरा झंडा लगा देना। होशियारी दिखाई तो अंजाम कमलनाथ का देख चुके हो। हमारी गैंग बहुत बड़ी है, अगर 2-4 पकड़े भी गए तो तेरा काम हो जाएगा। अभी तो खाली कारतूस भेज रहा हूँ, अगली बार देंगे 5 कागज पैसे तैयार रखना। अगर कोई टाइम क्या लिखा मैं बताऊंगा। ओके, तुम्हारा शुभचिंतक। इंस्पेक्टर पाठक, इस लिखावट में बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, मानो किसी बच्चे ने लिखा हो या किसी कम पढ़े लिखे आदमी। वैसे आपको किसी पर शक है? जी नहीं, हमारी छोड़िए, हमें तो सिर्फ अपने बेटे की जान की परवाह है। इंस्पेक्टर साहब, इसके पीछे जो भी कोई है उसे जल्द से जल्द पकड़िए। जरूर। रंजन सर, मुझे इनके घर के बाहर की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। यस सर। हम चलते हैं। टाइगर पहलवान से कुश्ती मुकाबले का आखिरी दिन बचा है और जीतने वाले को 10,00,000 रुपए का इनाम है। चिंता ना करो गगन भाई, अपने गुरुजी के सामने टाइगर तो क्या, शेर चीता भालू कोई ना टिक सके। इस बार भी ये प्रतियोगिता अपने गुरुजी ही जीतेंगे। इसका देव क्या है? सर, सर सीसीटीवी फुटेज में जो बाइक दिखी है उसके नंबर से पता चला है कि वो कपिल सिंह की बाइक है, जो बाइक से उतरकर दिग्विजय सिंह के घर धमकी वाला लेटर फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन कपिल सिंह? मशहूर पहलवान कपिल सिंह, सारा शहर उसके बारे में जानता है। यही पास में उसका अखाड़ा और कुश्ती संस्थान है जहाँ पे लड़के लड़कियों को कुश्ती सिखाता है वो। चलो देखते हैं इसको। हेलो, चलो। जी कहिए। पहलवान कपिल सिंह कहाँ है? कपिल की तो आज शाम को कुश्ती प्रतियोगिता है, वो वहीं गया है। पर क्या बात है रंजन? सर, ये वही बाइक है ना जो दिग्विजय सिंह के घर के सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी? वही बाइक है सर। तुरंत जब्त करो।
क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरह मेरे बेटे की मोटर बाइक जब्त क्यों कर रहे हैं? क्या किया क्या है उसने? बहुत ज्यादा आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। ले चलो। अभी नई मुसीबत कौन सी आ गई है? क्या किया इसने? पूरा शहर हमारे शेर की ताकत को जानता है। अगर पैसों की जरूरत ना होती ना, तो हमारा शेर ये छोटी मोटी प्रतियोगिताओं में तो भाग ना लेता। और दूसरे राउंड के विजेता है पहलवान कपिल सिंह। बहुत जल्द हम लोग तीसरा राउंड शुरू करने वाले हैं। ड्राइवर सुनो, जैसी गगन आएगा गाड़ी निकाल लेना, ठीक है? रुकना मत। कपिल जी। हाँ बोल। दीदी ने आपको 10 दिन दिए थे और आज वो 10 दिन पूरे हो गए। अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? दीदी हमें अपने साथ लेकर हमारे घर सोनीपत जा रहे हैं। तो रुक, कुश्ती जीतने के बाद जो मुझे 10 लाख मिलेंगे ना, वो सारे जाके तेरी दीदी के हाथ में दे दूंगा। फिर जाए उसे जो कुछ भी खरीदना वो खरीद सकती है। पर दीदी अब आप पर भरोसा नहीं करती हैं। आपने उन्हें झूठ बोला है। आप उनके साथ रहने के लायक नहीं है। आप उनके लिए गहने नहीं बना सकती। चलता हूँ। बात सुन गगन, गगन रुक यार गगन। और अब शुरू होता है इस प्रतियोगिता का आखिरी राउंड। और अब तीसरा और आखिरी राउंड होगा। जो जीतेगा वही 10 लाख का हकदार होगा। हमें लगा था इतने नामी पहलवान से हमारी शादी होने जा रही है, हमें हमें सोने से गहनों से लाद दिया जाएगा। और गहनों के नाम पे हमें क्या दिया गया? ये हल्का सा सोने का मंगलसूत्र। पता नहीं पापा ने क्या देख के इस भूखे नंगे परिवार में हमारी शादी करवा दी। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें तलाक चाहिए, समझ गई आप? अगर तुम सच में चाहते हो हम तुम्हें छोड़ के ना जाएं, तो 10 दिनों के अंदर 5 तोला सोना लेकर आना। और एक बात समझ लो, तुम ये कितना भी मनाने की कोशिश कर लो, हम मानने वाले नहीं। अगर हम ठान चुके हैं हमें 5 तोला सोना चाहिए, तो हमें चाहिए। जय इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि असली गुनहगार तो ये लड़की है। जब से ये मेरे बेटे के जीवन में आई है ना, इसने मेरे बेटे का जीना हराम कर दिया। देखिए, आपके बेटे ने आपके पड़ोसी दिग्विजय सिंह से 10 लाख की फिरौती मांगी है, और फरौते की रकम ना देने पे उसको और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंड, तुम्हारे रोज रोज के ताने और लालच की वजह से आज हमारे बेटे ने गलत रास्ता चुन लिया। देख रही है ना क्या होगी उसकी हालत? इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। माँ, माँ आप रोइए मत, माँ माँ मुझे माफ कर दीजिए, माँ बस आप रोइए मत। चले। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार होने के बाद कपिल ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। लोभ का कोई अंत नहीं होता,
लेकिन लोभ इंसान का अंत जरूर कर देता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेनका का लोभ उसकी इच्छाएं कपिल को अपराध के चक्रव्यूह में डालती चली गई और देखते ही देखते वो एक अपराधी बन गया। मेनका की इच्छाओं को पूरी करने के लिए कपिल ने जो भी कदम उठाया वो गलत था और हर गलत काम का परिणाम भी बुरा ही होता है। मेनका की सुंदरता और उसके प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर गहनों के लिए मेनका का लोभ बढ़ता जा रहा था तो कपिल को मेनका को समझाना चाहिए था, उसके घर वालों से बात करनी चाहिए थी। ऐसा कोई और रास्ता भी तो निकाला जा सकता था जहां बात यहां तक नहीं पहुंचती। पति पत्नी के बीच का रिश्ता प्यार और विश्वास की डोर से बंधा होता है और अगर इस डोर में लोभ और चाह की घंट पड़ जाए तो फिर रिश्तों में दूरियां आ ही जाती है। अब मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक दिल दहलाने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप रहिए अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।